गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। आप सभी को पता है आपकी सीटेट क्लास एमसीक्यू स्टार्ट है अभी, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्लास की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सीटेट और एसटेट के सभी जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं, उन्हें एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आपकी क्लासें सभी कंप्लीट हो चुकी है, थ्योरेटिकल आपके एमसीक्यू स्टार्ट है। तो एमसीक्यू आप जरूर देखना है साथियों, क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे का ऐसा देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो एमसीक्यू को बिल्कुल भी मत छोड़ना दोस्तों, मेरा तो कहना यही है, क्योंकि एमसीक्यू से आपका पूरा स्कोर कवर हो जाता है, ठीक है। इसलिए तो वर्षा मैम की क्लास होती है सोशल स्टडी की 9 बजे, हाल ही कुछ दिनों से नहीं हो रही है, लेकिन वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मैथ की क्लास है 10 बजे से, ठीक है। 1 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है, सीडीपी की क्लास होती है 3 बजे, ईवीएस की क्लास 6 बजे और हिंदी की क्लास होती है 10 बजे, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आपकी क्लासें जो आपके एमसीक्यू चल रहे हैं सभी के, ठीक है। यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की क्लासें होती है आपको देखने को भी मिलेगी। साइंस की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है रेगुलरली, 1 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सविता जी, गुड मॉर्निंग रोहित जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो तो आ जाइए क्लास को, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास लाइक और शेयर कर दीजिए। चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्वाति जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नीतू जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टीना जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो आ जाइए सभी क्लास को मैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज आपके लिए इंटरेस्टिंग और बहुत थोड़े टफ भी होंगे क्वेश्चन, ओके। हिंदी क्लास में नहीं ले पाती हूँ टीना जी, हिंदी की क्लास अगर आप उस वक्त नहीं ले पाती हो तो आप बाद में ले लीजिएगा, लेकिन क्लास आपको पूरी लेनी है, क्योंकि सबका स्कोर अपना 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 होता है, इसलिए। अच्छा, गुड मॉर्निंग खुशबू जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंकिता जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माही जी, राधे राधे, राधे कृष्णा। चलो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, सभी आ जाइए और अपना नोटबुक निकाल लीजिए, देखते हैं कितना स्कोर रहता है आज, देखते हैं आपका सभी का क्या स्कोर रहता है, ठीक है। चलो तो कंटिन्यू करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है, बिल्कुल। एक शायरी के साथ, कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत भी ना करूं ये गलत बात है, ठीक है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज, देखते हैं कितनी मेहनत कर पाओगे आप, कितना स्कोर रहता है आपका, ठीक है, बिल्कुल। तो देखते हैं आज आपका स्कोर कितना रहता है, क्या स्कोर रहता है, देखते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, नेहा जी हर हर महादेव। फर्स्ट में डी है, ए है, डी है, फर्स्ट में डी, ए डी की तरफ, कल नहीं थे, डी ए डी ए डी ए। चलो तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है 4 इज करेक्ट आंसर। महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद रखना, जिसका डी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है,
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गणित को समझने में विद्यार्थियों में भय और चिंता उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, कौन सी है? तो देखो, विजुअलाइजेशन और प्रतिनिधित्व नहीं, गणितीय संचार, मात्रा का अनुमान, महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद रखना, यानी कुछ अवधारणाएं होती है उनको याद नहीं रख पाते, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण यही है। 4 इज राइट आंसर आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। बिल्कुल, कोशिश पूरी कर रहे हैं। गणित पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख समस्या है, कौन सी प्रमुख समस्या है, जल्दी से बता दीजिए, इनमें राइट आंसर बताना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, डी की तरफ आंसर, जल्दी से आंसर बताते चलिए, ठीक है, जल्दी से आंसर बताते चलिए, कोशिश ये रहेगी ज्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए, ठीक है। हाँ टू में आपका डी भी आया है, बी भी आया है, ओके, सभी को आंसर देना है, आंसर सभी को देना है, ठीक है, कोशिश पूरी करते चलिए। टू में डी और बी की तरफ आंसर आ रहा है, देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या होता है। इसमें राइट आंसर आपका 1 इज करेक्ट आंसर। इसमें देखो पूछा क्या जा रहा है, गणित पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख समस्या है, शिक्षक शिक्षण के तरीके, गणितीय उपकरणों का उपयोग, कक्षा का आचरण, शिक्षक विधियों का ज्ञान। देखिए गणित पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख समस्या है, गणित पढ़ाने में सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है, मेथड यानी शिक्षक शिक्षण के तरीके, यानी जो शिक्षक होता है उसके टीचिंग के तरीके अलग अलग होते हैं, हर टीचर के तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो प्रमुख समस्या क्या है, कई टीचरों की हमें समझ में नहीं आती है, कई टीचरों की समझ में आ जाती है, ठीक है। तो शिक्षण शिक्षण के तरीके होते हैं, इसमें राइट आंसर 1 इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आचरण वाचरण का कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कक्षा 3 का एक बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, ठीक है, ध्यान रखना, इसे 40,082 लिखता है, यह एक शिक्षक के लिए क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन अब ये गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में कभी आ जाए तो, ठीक है, गुड। चलो देखते हैं, लगभग सभी का आंसर गलत है इसका। टू में आज बहुत गलत होंगे, स्कोर आपका देखना है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़े हटके हैं, क्वेश्चन आंसर सभी को देना है। ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, आराम से। बी और डी, बीडी में आंसर आ रहा है। चलो तो देखते हैं इसमें राइट आंसर सभी का क्या होगा, बी और डी में आंसर आ रहा है, ओके, चलो देखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए कक्षा 3 का एक बच्चा है जो 482 पढ़ता है लेकिन लिखता 40,082 है, ठीक है, यानी स्थानीय मान में यानी लिखने में उसका गड़बड़ है, एक शिक्षक के लिए क्या दर्शाता है, ठीक है, बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की, यानी ध्यान से सुनता है, ठीक है, सुनता ध्यान से है इसलिए तो वो 482 पढ़ता तो है, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, स्थानीय माल की मूल मूल भावना स्थापित नहीं कर पाया, मतलब जो लिखने का तरीका है स्थानीय मान है वो उसके समझ में नहीं आया, इसलिए वो गलतियां करता है, ठीक है, लिखने में
बोलने में गलती नहीं करता, मतलब बच्चा ध्यान से सुनता तो है, ठीक है। अब इसमें देखो, और आपका हो सकता था एक तो आपका ये तो गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद में बचा संख्या अभिव्यक्त को विस्तारित इसका भी नहीं होगा। देखो स्थानीय मान जिसमें है उसका आंसर हो सकता है, तो इसमें स्थानीय मान है और इसमें भी स्थानीय मान है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, शिक्षक को स्थानीय मान की अवधारणा तब सिखानी चाहिए जब बच्चे संख्याओं को सही ढंग से लिखने में सक्षम हो। नहीं, शुरू से ही सिखाते हैं ये चीज, तो जब बोलना नहीं आता उससे पहले लिखना सीख जाता है बच्चा कभी कभार, ठीक है। हाँ, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो चुका है, बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की भावना स्थापित नहीं कर पाया। अगले चलते हैं, ठीक है। डी हो सकता था, क्यों नहीं, इसका राइट आंसर वही रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आगे, देखिए आज बहुत सारे गलत होंगे कह रहा हूं ना मैं, क्योंकि एक ही तरीके के मेरे को पहले ही आइडिया था इनको कि आप बहुत सारी गलतियां करोगे, पक्की है, ठीक है। चलो देखते हैं, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। देखो कक्षा फोर्थ की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या बहुविषयक समस्या से संबंधित है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुविषयक समस्या से संबंधित है, आंसर देना है सभी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ज्योति जी, जय श्री कृष्णा। ध्यान से सोच समझ के आंसर दीजिएगा। फोर्थ की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या बहुविषयक समस्या से संबंधित है, ध्यान से। सी की तरफ आंसर आ रहे हैं, ए भी आंसर आया है, डी भी आंसर आया है, ए की तरफ ज्यादा झुकाव, बी। बहुत गलत होंगे आज, पक्की बात है, 100%। जब तक इनको दोबारा से नहीं देख लोगे ना साथियों, तब तक आपके बहुत सारे गलत होंगे आज। देखता हूं स्कोर कितना रहता है आज आपका, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। फोर में बी और ए आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आया था, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं इसमें राइट आंसर आप सभी का क्या हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल देखिए, हो गई गलत है, कुछ कुछ के है, सही भी है, सही भी आ रहे थे। देखो कक्षा फोर्थ की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या बहुविषयक समस्या से संबंधित है, बहुत सारी विषयों से संबंधित है। एक बात की, दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब बनाइए, नहीं, ये कैसे हो सकता है, बहुविषय की बात कर रहा हो, दर्पण प्रतिबिंब तो दर्पण प्रतिबिंब हो गया। चलो दी गई आकृति में कितनी कितनी सममित रेखा है, चलो ये भी एक एक ही सिंपल भाषा है, मतलब एक ही चीज के लिए पूछा है, तो ये भी नहीं हो सकता, बहुविषयक बतानी है, ठीक है, बहुविषयक बतानी है। चलो अब देखिए आगे, दी गई ज्यामिति आकृति में एक सममित रेखा खींचना, एक सममित रेखा खींचना, एक है इसमें भी सिमेट्री के लिए पूछा जा रहा है, यानी एक विषय के बारे में ही है, ठीक है। ये भी एक विषय के बारे में है, ये भी एक विषय के बारे में है, ये भी एक विषय के बारे में। आगे देखिए, भारत के ध्वज का चित्र बनाइए, ठीक है, और ध्वज में सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए कि कितनी सममित रेखाएं हैं। तो एक से अधिक क्वेश्चन हो गए ना, डायग्राम बनाना है और उसके अंदर देखो क्या क्या चीजें बनाओगे, और ध्वज में सममित रेखाओं की संख्या की पहचान भी करनी है, यानी बहुविषयक समस्या होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका वन इज करेक्ट आंसर, ठीक है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन नए हैं, ये पहले करवाई नहीं गई है, ठीक है। हाँ, खुशी हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहती है, पता है ना, हाँ, इस क्लास से यही पता चलेगा कि रो हमेशा खुशी नहीं रहती और ना ही गम हमेशा के लिए रहते हैं, तो दुखी कभी भी नहीं होना है, चाहे खुशी मिले या दुख मिले, है ना, कभी भी।
दुख आए तो भी खा लेना दवाई समझ कर, और खुशी आए तो समझ लेना मिठाई है, खा लो तब भी समझ कर। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। कल की सजा है ये, बिल्कुल समझ गए हो, कल का गुस्सा भी उतना नहीं है मेरा है। हाँ हाँ अब वो गुस्सा आप पे निकलेगा। चलो तो अच्छी बात है, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घबराओ मत, आएंगे। क्योंकि पहले देखो, कभी भी मैंने पहले आपसे कहा है कि आगे अगर क्वेश्चन टिपिकल लगे तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आपके प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती है तो समझ लो कि बाद में आपके बहुत इजी लाइफ गुजरने वाली है, ठीक है। हाँ, समझते हुए चलना हर चीज को। मैं क्वेश्चन ऐसे ही नहीं लाता हूँ, सोच समझ के कुछ कहने के लिए तो लाता हूँ। क्या सीखा कल और आज से? यही चीज सीखी ना, कि खुशी हमेशा के लिए नहीं ठहरती और दुख भी हमेशा के लिए नहीं ठहरता, ठीक है। तो हाँ, यहाँ थोड़े से कठिन आएंगे, फिर आपके इजी होते चलेंगे, तो घबराओ मत। चलो, फाइव में बी ए बी की तरफ आंसर। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। चलो सभी का ए आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो, जिसका आंसर बी भी आया है, कोई कोई का, चलो कोई बात नहीं। शिक्षार्थी के गणितीय प्रदर्शन में बाधा डालने वाली दृश्य स्मृति बाधा का एक संभावित संकेतन है कौन सा है? गणितीय तथ्यों को याद रखने में कठिनाई और समय बताने में कठिनाई, ठीक है। संभावित संकेतन और संकेतन के लिए और प्रदर्शन में बाधा डालने वाली दृश्य स्मृति, दृश्य यानी दिखाई देने वाली बाधा के बारे में बता रहा है, ठीक है। संभावित संकेतन है तो इसमें क्या है, गणितीय तथ्यों को याद रखने में कठिनाई होती है, ठीक है, समय बताने में कठिनाई होती है, यानी दृश्य स्मृति। संख्या रेखा के उपयोग करने में कठिनाई नहीं, ठीक है, इसमें तो बाधा दृश्य स्मृति के लिए पूछा है। एक क्रम में गिनने में कठिनाई नहीं, छोटी छोटी जोड़ तोड़ में संभालने में कठिनाई नहीं, ठीक है, दृश्य के लिए पूछा है, करेक्ट, बिल्कुल। स्कोर आज आपका अभी तक तो डगमगाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। गुड माही जी, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल शानदार आपका ये जवाब है कि सर प्रॉब्लम कैसा है, हर जगह हंस के चलती हूँ। बिल्कुल सही बात है, ये हमेशा रखना है, ठीक है, हर जगह हंस के चलना है, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, तब भी हंसना है, ठीक है, हंसी की बारी हो तब भी हंसना है, गम को एहसास तक नहीं होना चाहिए कि गम हंसा रहा। यस, बी की तरफ आंसर। देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। आकांक्षा एक अच्छी गणित शिक्षिका बनना चाहती है, अच्छी बात है, बिल्कुल। एक अच्छा गणित शिक्षक बनने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? अच्छा संचार कौशल, निकटवर्ती प्रश्नों का ज्ञान, वैचारिक ज्ञान, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैचारिक ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, गणित सामग्री का वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए, आप में भी ये क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। देखो, आप इतनी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और इतनी सब्जेक्ट में अगर आधा आधा यानी थोड़ा थोड़ा यानी कि जितनी बुक पढ़ते हो उसका अगर 100% में से आपने 10% या 5% भी आपने अपने लाइफ में उतार लिया हर सब्जेक्ट से, तो आपकी बराबरी कोई नहीं करेगा, पक्की बात है, एक बार करके देख लेना। अगर 5-10% भी आपने किसी भी बुक से उतार लिया है अपने लाइफ के अंदर, अपनी जीवन के अंदर, तो आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा, आप किस स्थिति में हो, कहां पे हो, करके देख लीजिए, ठीक है।
5% का मतलब है अगर संस्कृत की बुक पढ़ते हो और संस्कृत के अंदर आपने इतना सा ज्ञान अर्जित कर लिया है कि संस्कृत बोलते कैसे हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश कैसे करते हैं, बस और कुछ भी नॉलेज नहीं होनी आपको, बस इतना सा नॉलेज हो कि आप संस्कृत को कैसे बोल ले, बस इतनी सी, 5% ही है, खूब है, बस यही है। इंग्लिश में भी यही कर लो, ठीक है, मैथ के अंदर भी इतना कर लो कि क्वेश्चनों को करने का तरीका समझ जाओ आप, कि कोई क्वेश्चन कर सके, बस फिर क्या है, फिर तो सब कुछ मस्त ही मस्त है। देख लो बुकों से इतना फर्क पड़ता है, कहीं कहते हैं तो बुक से क्या फर्क पड़ेगा, किताबी ज्ञान नहीं, हकीकत ज्ञान है वो, ठीक है, करके ट्राई करो, पर उसको लाइफ में उतारने की कोशिश करो, ठीक है, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर आपके सामने मिल चुका है, अगला क्वेश्चन देखिए। करेक्ट बात, बिल्कुल बिल्कुल माही जी, हर हाल में मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि खुशी ज्यादा दिन नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात है, वो क्या ठहरेगा। बिल्कुल, लाफिंग इज ए बेस्ट मेडिसिन बेटर लाइफ के लिए, बहुत शानदार। देखो कोशिश इतनी किया करो कि आप जो चीज भी पढ़े अगर अच्छी चीज है तो उसको अपनी लाइफ में आप ज्यादा हिस्सा नहीं उतार सकते, तो उसका 5-10% पूरा तो मत उतारिए, लेकिन 5-10% हिस्सा उस बात का जरूर उतारने की कोशिश कीजिए। थिंकिंग सभी को ऐसी ही रखनी है, अच्छी थिंकिंग रखिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर निम्नलिखित में से किसे गणित में भय और असफलता का कारण नहीं माना जा सकता है, क्या नहीं माना जा सकता है, कक्षा का अनुभव, प्रतीकात्मक संकेतन, इसमें गलत नहीं होना चाहिए, डी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल, अब इजी टाइप के आने लगे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का, डी इज करेक्ट आंसर, चलो अच्छी बात है, अब शानदार है, सभी का आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है। अगले क्वेश्चन को अगले ध्यान से देखिएगा, शिक्षण विधियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, टेक्निकल ऑफ टीचिंग, ऑल ऑफ अबव, सभी को आंसर देना है। देखो कभी हार भी जाओ, ठीक है, तो उससे उदास मत ही आकर, क्योंकि हार जीत का ही तो ये खेल है, लाइफ है क्या एक, ठीक है, हमारे हमारे भगवान से भी प्रार्थना करते हो कभी कभार, तो ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं, भगवान मेरे मेरे ऐसे क्यों आता है, मेरे इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है, मतलब खुशी आपको ये नहीं है कि प्रॉब्लम आपके ही है, दूसरों के क्यों नहीं है, ठीक है, हार जीत तो लगी रहती है जिंदगी का, यही तो नीति है जिंदगी, ठीक है, जो हारता है वही तो जीतता है, तो जिसके गम आए कोई बात नहीं, आने दीजिए। बी पॉजिटिव होके, बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, चाहे कितना भी नेगेटिव रोल हो, ठीक है, कितनी भी नेगेटिव बात हो उसमें पॉजिटिव चीज सोचिए कि अपने साथ ये हुआ तो क्यों हुआ, इसमें अच्छाई क्या ढूंढ सकते हैं। 8 में आंसर आ रहा है डी की तरफ, गुड, 8 में डी की तरफ आंसर आ रहा है, बिल्कुल गुड 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 गुड, बता दीजिए सभी, 8 में सभी का डी आ रहा है, अब ध्यान से देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि शिक्षक विधियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, टेक्निक ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग में जो काम में आने वाली टेक्निक है वही, उसके लिए तो कहा रहा है, उपकरणों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, टेक्निक ऑफ टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड के,
हाँ बिल्कुल गलत है। कितने बजे क्लास होती है आपकी? 11 बजे? देखो वो सर से पूछना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बात है, हो गई ना गलती। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िए। 9 में ए, एक शिक्षक के लिए आप किस कौशल को सबसे आवश्यक मानते हैं? सही बताना, ठीक है? क्या कौशल होना चाहिए? एक शिक्षक के लिए आप किस कौशल को सबसे आवश्यक मानते हैं कि वो तो आपका होना ही होना चाहिए? बिल्कुल जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर बताते चलिए। बिल्कुल ओके ओके, बताएंगे जी। बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें, बच्चों के लिए सारी जानकारी रखें, बच्चों की सामग्री को याद रखने की क्षमता रखें, बच्चों की परीक्षा का अच्छा प्रदर्शन करें। तो इसमें राइट आंसर, बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें कि किस प्रकार ज्ञान प्राप्त किया जाता है, किससे कैसे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल जिसका भी आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। सब भावनाओं में बह गए और सब गलत कर दिए। चलो कोई बात नहीं। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अनुपस्थिति को रोका जा सकता है। और जिन्होंने लाइक नहीं किया है, मैं तो भूल गया, लाइक कर दीजिए, सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है? हाँ क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी को लाइक करना है। चलो गुड। भावनाएं भी जरूरी है भाई। बिल्कुल भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो, केवीएस का सभी भर सकते हैं, टेन में एक ही तरफ आंसर आ रहे हैं। अनुपस्थिति को रोका जा सकता है शिक्षण से, ठीक है, टीचिंग से, छात्रों को दंडित करके, मिठाई देकर, माता पिता से संपर्क करना। इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बताना है। अनुपस्थिति को कैसे रोका जा सकता है? मिठाई देकर, टीचिंग करवा कर। तो टीचिंग तो वैसे सारी स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचिंग कहाँ नहीं करवाई जाती। अनुपस्थिति को कैसे रोका जा सकता है? ध्यान से आंसर दो, नहीं है, गलत होगा बोध का। पहले संपर्क कीजिए, ठीक है, पहले संपर्क कीजिए, माता पिता से संपर्क करना। ठीक है, अनुपस्थिति को कैसे रोका जा सकता है? शिक्षक टीचिंग से, तो टीचिंग तो हर जगह पढ़ाई होती है, फिर भी बच्चे अनुपस्थित रहते हैं, तो ये तो गलत हो चुका है। छात्रों को दंडित करके तो वो वैसे डर जाएगा, वैसे भी नहीं आ पाएगा। मिठाई देकर, मिठाई खा के फरार हो जाएगा, ठीक है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये रहेगा कि माता पिता से संपर्क करेगी, बच्चा अनुपस्थित क्यों हो रहा है, ठीक है। और उनके बाद में फिर वहां पे वो ट्राई करोगे ना, तब जाके आपका सिस्टम बैठेगा कि बच्चे अनुपस्थित हो रहे हैं क्यों, ठीक है। बिल्कुल, तो इस प्रकार ध्यान रखना है, ठीक है। इलेवन का देखिए, इलेवन का देखिए, सबसे प्रभावी लर्निंग एड्स होते हैं ना, एड एड होते हैं ना, बीच बीच में एड आते हैं वो, ठीक है, एड, गुड। ये एड एड की बात कर रहा है वो, सबसे प्रभावी लर्निंग एड क्या है? एड देते हैं ना बीच में, जैसे हम क्लास देखते हैं और कभी कभी स्टार्टिंग से एड आ जाते हैं हमारे, ठीक है वो। ओके अब देखिए इसमें भी बहुत सारी गलतियां हो रही है सभी की। ओके पनिश करने से ज्यादा वो नहीं होगा, पनिश करने से ज्यादा मतलब नहीं होगा, पहले सिस्टम बैठाना चाहिए कि बच्चा उपस्थित क्यों नहीं हो रहा है। तो पहले माता पिता से संपर्क करें कि बच्चा इतना अनुपस्थित क्यों हो रहा है, ठीक है। हाँ बी की तरफ आंसर, बी की तरफ आंसर, बिल्कुल। अब देखिए
क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे पहले ही, लेकिन इसमें लैंग्वेज चेंज थी, बस लैंग्वेज चेंज थी, बाकी तो आंसर वही है। ठीक है, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ठीक है ना, यही था ना, बिल्कुल। तो ये होगा आपका राइट आंसर, ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल। तो आपका देखो सबसे प्रभावी लर्निंग एड क्या है, तो वो है आपका प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, तरीका बस क्वेश्चन का तरीका थोड़ा चेंज था, ठीक है, लिखने में, बाकी तो सभी करेक्ट है, समझ गए होंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, नेगेटिव वर्ड है पनिश, ठीक है, हाँ। और इस टीचिंग इसके अंदर तो नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल कम होता है, बच्चों के साथ नेगेटिव नहीं, सोचना भी नेगेटिव नहीं। टीचर एक समाज की जड़ होता है, ठीक है, जैसा आप बोधोगे उसे, जैसी जड़ लगाओगे पेड़ की, जितनी मजबूत होगी उतना ही पेड़ भारी और भरकम होगा, इसका मतलब समझते हो, यानी टीचिंग अगर आप अच्छी तरीके से करवाते हो बच्चों को, तो उनकी जड़ मजबूत होगी, यानी आप उस समाज का एक इतना अहम हिस्सा हो कि आप सोच भी नहीं सकते अगर आप टीचर हो तो, ठीक है, आप एक माली हो समाज का, अगर आप टीचर हो, स्टूडेंट पढ़ाई करवाते हो, तो आप इस समाज के एक माली की तरह काम करोगे, ये बगीचा है आपके लिए जिसे आप सींचते हो, आप जैसे उसे पानी दोगे वैसे वैसे वो मजबूत होगा, जैसे जैसे, तो अगर आप मजबूत नहीं रहोगे, ट्वेल्थ में आपके पास डी आंसर आ रहा है, देखते हैं, बिल्कुल। इसमें देखिए, अच्छे गणित शिक्षक की मुख्य विशेषता क्या है बताइए, स्वचालित सीखने की स्थिति प्रदान करना, ठीक है, मैं आपको यही चीज सिखाता हूं, पता हो तो आपको, मैथ के अंदर में जो चीजें सिखाता हूँ आपको, मैं खुद हल करवाने की कोशिश नहीं करता, मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप खुद उस क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका एक बार सीख जाओगे ना, तो उस प्रकार उस क्वेश्चन को पढ़कर आपको अपने आप से आंसर कर पाओगे, ठीक है, वही चीज कोशिश करता हूँ मैं। प्रभावी योजनाएं बनाना, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से वो चीज समझ में आए, प्लानिंग करता हूँ कि किस तरीके से आप अच्छी तरह उस क्वेश्चन को समझ पाओगे, ठीक है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना, ठीक है, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, तो उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, तो सभी का आंसर करेक्ट है, करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, शिक्षक की मुख्य समस्या क्या है, ध्यान रखना, इनसिक्योरिटी, ज्वेलस, रिजेक्शन, ऑल ऑफ द अबव, सभी को आंसर देना है। शिक्षक की मुख्य विशेषता असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी, ये तो गलत बात होगी, इसको तो छोड़ ही देना, असुरक्षा की बात कर रहा हूं, बाकी देखिए, थर्टीन के अंदर आंसर देना है जल्दी से, देखो जितना जल्दी आंसर दोगे ना आप, उतना ही फायदा होगा। थर्टीन में डी की तरफ आंसर आ रहा है, थर्टीन में डी 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 डी, अरे पहला तो मैंने मना ही कर दिया है, तो डी क्यों दे रहे हो। शिक्षक की मुख्य समस्या क्या होती है, सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, फर्स्ट तो वैसे ही गलत हो गया है, फर्स्ट तो मैंने वैसे ही गलत करवा दिया है, तो डी तो कैसे होगा, और कुछ बताइए, डी को छोड़ दीजिए, डी तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये तो आपको पहले ही गलत बता दिया है। असुरक्षा, असुरक्षा किससे होगी, इनसिक्योरिटी, शिक्षक की मुख्य समस्या क्या है, मुख्य समस्या बतानी है, थर्टीन में सी की तरफ आंसर, सी की तरफ, बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ज्वेलस नहीं, अस्वीकृति, रिजेक्शन होते हैं, ठीक है, रिजेक्शन, बच्चे नहीं समझ पाते हैं, उनको ही रिजेक्शन मिला टीचर को, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सफल शिक्षक की कौन सी विशेषता नहीं है, ध्यान से समझिएगा, एक सफल शिक्षक है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है, व्यवहारिकता, समर्पण, आंशिक व्यवहार, आत्म अनुशासन, सभी को ध्यान में रखते हुए आंसर देना है, ठीक है,
जल्दी से आंसर बता दीजिए। देखते हैं, फोर्टीन भी बता दीजिए। सुजाता जी बहुत पीछे चल रही है, क्या बात है, ये 13 के आंसर दे रहे हैं। फोर्टीन में सी की तरफ आंसर आ रहा है, 14 में सी की तरफ। गुड 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 गुड, चलो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 14 का सी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल देखिए, व्यवहारिक यानी बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, ठीक है। कौन सी विशेषता नहीं है ये बताना है, समर्पण है, बिल्कुल सरेंडर है, आत्मअनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन है, बिल्कुल, लेकिन आंशिक व्यवहार नहीं है, ठीक है, कुछ पल भर के लिए थोड़ी है, नहीं है ना, तो बिल्कुल ये आपका नहीं होगा, है विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं हो सकती, आंशिक व्यवहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षक के व्यवसायिक कौशल में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है, सही आंसर देना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। स्टार्टिंग के 4 या 5 क्वेश्चन के समथिंग थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा था, लेकिन अब क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बस आप ध्यान से नहीं पढ़ पा रहे हो। शिक्षक के व्यवसायिक कौशल में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है, स्वयं का ज्ञान, अच्छी तरीके से उपयोग करना, समर्पण करना, सामाजिक मामलों में का संतोषजनक ज्ञान। 15 का आंसर बता दीजिए जल्दी से जल्दी, ज्यादा टाइम मत लगाइएगा, 38 मिनट हो गई है, 15 क्वेश्चन है अभी, आप 10 क्वेश्चन के करीब हमारे और क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर, जल्दी जल्दी आंसर। फिफ्टीन में डी अंकिता जी का सी, 15 में डी, डी की तरफ आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर, सामाजिक मामलों का संतोषजनक ज्ञान, ठीक है। तो ये इनमें कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है, बाकी सभी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप एक शिक्षक के रूप में विद्यालय में के बच्चों, युवाओं, वयस्कों आदि के लिए सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, ठीक है, इन्हीं विद्यालयों या समुदायों में आयोजित किया जा सकता है, इन कार्यक्रमों की प्रकृति को संदर्भित करती है, खाली स्थान बताना है, वयस्क शिक्षा, कंटिन्यू एजुकेशन, सांस्कृतिक गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, स्वच्छता, हाइजीन, ठीक है, इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट आंसर होगा वयस्क शिक्षा या सांस्कृतिक गतिविधि, दूसरी बात है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या थर्ड बात है केवल सेकंड। सिक्सटीन में आंसर आ रहा है बी की तरफ, बी की तरफ आंसर, बी की तरफ आंसर, गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए, ज्यादा अब मैंने कहा था पहले आपके जो टिपिकल होंगे वो आगे डाल दिए जाते हैं, तो फिर बाद में इजी हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 2 इज करेक्ट आंसर, और उम्मीद करता हूं सभी का बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है, सभी को स्कोर देखना है, पता है मुझे, पता है, हाँ गलती भी हुई है, चलो तो फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए, खाली अब बताना है आगे क्या होगा, आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चे को गलत संदेश न जाए, गुणों को प्रतिबंधित करेंगे जिन्हें आप आत्मसात करवाना चाहते हैं, आप उन्हें लगातार बताएंगे और उन्हें समझाएंगे, ठीक है, आप वर्तमान संदर्भ के अनुरूप बच्चों में बदलाव लाएंगे, कैसे लाएंगे, तो सभी को आंसर देना है। एक शिक्षक के रूप में
छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए क्या करेंगे आप, कैसे करोगे? देखो कुछ स्टूडेंट होते हैं, जैसे हम बचपन में थे तो हम भी टीचर की तरह बनना चाहते थे कि मेरे वो टीचर फेवरेट है, मेरा वो टीचर फेवरेट है। होता है, सभी के लिए होता है, ठीक है, आम बात है। तो क्यों फेवरेट होता है पता है आपको? कोई भी टीचर हमें फेवरेट लगता है, मान लो कि हम सेवेंथ एट्थ नाइन्थ में थे, तब सभी थे, और सभी में एक बात तो ये है कि सभी में से इतने टीचरों में से एक टीचर तो आपका फेवरेट होता है कि नहीं। टीचर तो वैसे 8-10 होते हैं मान लो, लेकिन उनमें से एक टीचर आपके लिए फेवरेट होता है कि नहीं, ये बताइए सभी को, होता है ना? वो क्यों होता है, कारण बताइए मुझे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन वैसे ही है, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी है, इम्पोर्टेंट होती है ये चीजें, ये चीजें तो आपको, देखो क्वेश्चन आपके एबीसीडी है तो आप घर भी जाके पढ़ सकते हो, मैं आपको दे दिया 15 क्वेश्चन, आपने याद कर लिए, लेकिन इनके साथ में आपने एक्स्ट्रा क्या चीज सीखी वो भी तो बतानी है। क्या चीज देखते हो आप एक टीचर के अंदर, आपका फेवरेट होता है तो उसके अंदर आप उस टीचर में आपने क्या चीज कैसे सीखते हो, क्या चीज चाहिए आपको उसमें? जब 8th 10th में थे तो आपके भी टीचर फेवरेट थे? बिल्कुल थे, यस सर। क्या चीज देखते थे उनमें आप, कैसे फेवरेट थे, क्यों फेवरेट थे, ये बता दीजिए आप, तो क्यों फेवरेट थे? किसी को भी नहीं पता। देखो सभी का आंसर अगर इस बात का सही आता तो मैं आपको ये चीज बताता। देखो फेवरेट होता है, क्यों होता है, कारण भी देख लीजिए। कारण ये होता है कि हम वो टीचर जो करता है, जैसे वो करता है, वो चीजें हमें अच्छी लगती है, ठीक है, वो चीजें हमें अच्छी लगती है, उसके पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, वो जो सोचता है, वो सोचता है, जैसे वो सोच समझ के हमको जो चीजें सिखाता है, वो चीजें हमें अच्छी लगती है कि नहीं, तभी तो हमें वो पसंद आता है, यही तो, अन्यथा और टीचर भी तो हमें पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन वो उनको समझे, बच्चों को समझे, ठीक है, यही बातें होती है कुछ चीजें, बिल्कुल। और उनका व्यवहार, सभी टीचर तो एक जैसे व्यवहार नहीं कर सकते, सभी का अपना अपना स्कोर होता है, ठीक है, बिल्कुल, तो अपना अपना वो तरीका रहता है, तो इसमें सबसे राइट आंसर अप्रोप्रिएट, आप सभी ने तो अपने तरीके से आंसर दे दिया, ठीक है, आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चों को गलत संदेश ना जाए, क्योंकि टीचर कई बार जो चीजें पढ़ाता है, बोलता है, वही हम करते हैं, दोहराते हैं उन चीजों को, करते हैं, ठीक है, तो हमारा मेन स्कोर होता है जो टीचर आपको गलत नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आप गलत करोगे, यानी टीचर अगर गलत करता है तो बच्चे भी 100% उस चीज को गलत करेंगे, ठीक है, यही बात है ना। तो आपने क्या किया, गुणों को प्रतिबंधित करेंगे जिन्हें आप आत्मसात करवाना चाहते हैं, प्रतिबंधित नहीं है, प्रतिबंधित से तो देखो आपको क्या होता है, उल्लंघन तो होता है, हर चीज का उल्लंघन होता है, तो प्रतिबंधित करोगे तो उल्लंघन तो होगा, इस चीज को छोड़ दीजिए, ठीक है, आप उन्हें लगातार बताएंगे और उन्हें समझाएंगे, लगातार बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है, और ताकि बच्चों को गलत संदेश ना पहुंचे, मेरा हिसाब से तो आंसर यही रहेगा, 1 इज करेक्ट आंसर। होगा, लेकिन सभी का गलत है, क्या करें यार, चलो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, गलत हो चुका है उसका तो सभी का, ठीक है, चलो तो इसमें देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक कक्षा शिक्षक अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है, किस तरीके के, बुद्धिमान छात्रों के साथ अधिक प्यार, गरीब छात्रों के प्रति अलगाव, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार, छात्रों की उम्मीदों के अनुसार व्यवहार, देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या हो रहा है। एक मिनट, डीवी सही हो सकता है इसमें, देखते हैं,
आप वर्तमान संदर्भ के अनुरूप बच्चों में बदलाव लाएंगे। वर्तमान स्वरूप में तो अलग अलग है, ऐसा नहीं हो सकता। देखो वर्तमान स्वरूप तो बदलता जा रहा है दिन प्रतिदिन, संस्कृति भी हमारी बदलती जा रही है, तो उसके अनुरूप हम थोड़े ढलेंगे। ठीक है, टीचर का कर्तव्य यही है कि वो उन सांस्कृतिक चीजों को भी साथ लेकर चले। ठीक है, तो संस्कृति बदलने के साथ वो थोड़े बदलेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वर्तमान के हिसाब से मत डलिए, कुछ चीजें हैं जो पूरी वही रहनी चाहिए, कुछ चीजें हैं जो बदलनी नहीं चाहिए, कुछ चीजें हैं जो बदलनी चाहिए। देखो बदलना भी जरूरी है कुछ चीजों के साथ तो। हाँ बिल्कुल, 18 में आपके पास आंसर आ रहा है, सी की तरफ आंसर आ रहा है। ठीक है बिल्कुल, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें 3 बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर। इसमें क्या कहा, सभी छात्रों के लिए समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है बिल्कुल, आपका सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी क्या है, ध्यान से पढ़िए। देखो ये क्वेश्चन जो पढ़ रहे हो आप, ठीक है, इन्हें अपने लाइफ में अप्लाई करके देखना है। ठीक है, अप्लाई करके देखना, एक एक चीज आपको इतनी क्वेश्चनों में से अगर अप्लाई करोगे ना, तो ये क्वेश्चन अपने आप याद होते चलेंगे। ठीक है, इनको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई क्वेश्चन तो आपको इस प्रकार के हैं कि आप उन्हें कभी देखे भी नहीं हो, पढ़े भी नहीं हो, फिर भी आप उसे राइट कर देते हो। क्यों? ये आपकी साइकोलॉजी आपको वो चीजें बताने की कोशिश करती है, क्योंकि आप करते हो इसलिए वो चीज आपकी गलत नहीं होगी। ठीक है, तो लाइफ में उतारिए इन चीजों को, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, कम तो होगी नहीं। ठीक है, यही तो है असली ज्ञान, इन्हीं चीजों को तो हमें उतारना है, अप्लाई करना है। अब एकदम से आपकी ये चीजें उतरेगी नहीं। नाइनटीन में एक ही तरफ आंसर आ रहा है। कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी होती है कक्षा में अधिगम को बढ़ाना, बिल्कुल। छात्रों में विद्यालय शुल्क वसूलना, ये तो गलत बात हो गई यार। ठीक है ठीक है, आगे देखते हैं। कक्षा के छात्रों में रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना, कक्षा के छात्रों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना नहीं हो सकता। ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व देना, बहुत गलत बात है ये तो। ठीक है, तो आपका आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1 इज करेक्ट आंसर, कक्षा के अधिगम का स्तर बढ़ाना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है, ठीक है, शिक्षक को चाहिए। देखो कोई भी अगर स्टूडेंट पढ़ा रहे हो और पढ़ा रहे हैं और शिक्षक यानी टीचर टीचर से कोई स्टूडेंट पर्सन पूछता है, ठीक है, कि सर ये कैसे हुआ या इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है, टीचर को क्वेश्चन से संबंधित, अगर आप मान लो कि ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, इस क्वेश्चन में आपके कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है और आपने मुझसे पूछ लिया कि सर ये कैसे हुआ या ऐसे कैसे होगा, अगर मैं फिर भी उसे इग्नोर कर देता हूँ, क्या करना चाहिए मुझे, यानी कि मैं ये बताइए मैं क्या करना चाहिए मुझे। ठीक है, अगर मान लो कोई क्वेश्चन मुझे पूछता है, पहले आप अपने अपने आप को रखो उस जगह, क्योंकि आप अपने आप को रखोगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, 20 में इस क्वेश्चन को अपने आप की जगह रखना है और फिर आपको आंसर देना है। ठीक है, अपने आप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लेना है, ये मत समझिए कि आप मेरे जरिए आंसर ले रहे हो, आप अपने आप को रखना है फिर आंसर देना है, फिर देखिए सभी का, बिल्कुल देखो सभी का आंसर करेक्ट है, तो अपने आप को रखिए इन चीजों में, तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक होगा। कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है शिक्षक को चाहिए, क्या उसे तत्काल सही जवाब दे, सही बात है, आगे पढ़ लीजिए कोई और दूसरा आंसर आ जाए तो। छात्रों को उत्तर देने के लिए कालांश के बाद आने के लिए कहे, गलत बात। ठीक है, फिर भूल जाए तो वो उस चीज के बारे में पूछ रहा है, उसी चीज के बारे में पढ़ रहा है, तो उसी टाइम पूछ लेना चाहिए। ठीक है, कोई ध्यान न दे तो अपने शिक्षण को जारी रखे। ठीक है, कोई ध्यान न दे तो अपने शिक्षक को जारी रखे, यानी इग्नोर कर दे। ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे डांटे और उसे कहे कि शिक्षक में बाधा उत्पन्न ना करें, ये भी गलत बात है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
मैंने कहा था भाई आपके गलत होंगे, ठीक है, बिल्कुल गलत होंगे स्टार्टिंग के लिए कि आपके प्रॉब्लम आती है शुरू में, लेकिन बाद में जाते जाते आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, ठीक है। पहले आगे इसी से मतलब है कि आपके अगर पेपर के अंदर फर्स्ट यानी पहला ही चैप्टर आपका थोड़ा डिफिकल्ट हो तो उससे डरना मत, ठीक है, डरना मत, क्योंकि कई बार क्या होते हैं स्टार्टिंग में डिफिकल्ट दे देते हैं बाद में इजी कर देते हैं, ठीक है, और ऐसा ही होता है हमेशा, जैसे क्या है कि स्टार्टिंग में दिमाग खराब हो जाता है आपका और फिर पेपर बिगड़ जाता है। बी 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 की तरफ, छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? दुष्प्रमाण बताने चाहिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए, सजा देनी चाहिए, ताड़ना देकर, यानी उनको ताड़ना देकर। बी की तरफ आंसर आ रहा है, बी की तरफ आंसर आ रहा है, चलो देखते हैं बी की तरफ आंसर आ रहा है। तो देखिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए, क्या चोरी करके और सिखाओगे क्या उनको, और बताओगे क्या चोरी कर, एग्जाम्पल कैसे देंगे, है ऐसे नहीं। दुष्परिणाम, इसको देखो, छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए अध्यापक को, उसके दुष्परिणाम बताने चाहिए कि अगर आप चोरी करते हो तो आपको देखो क्या क्या नुकसान है, फायदे तो दूर की बात है, नुकसान क्या क्या है, ये किसने कहा था, उदाहरण देकर समझाना चाहिए, किसका उदाहरण देकर समझाए कि चोरी नहीं करते, दुष्परिणाम बताने चाहिए, ठीक है। ओके, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो देखो पहला ही उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्यों, उदाहरण कैसे दोगे मेरे को ये समझाइए, चोरी करके दिखाओगे क्या फिर में? भाई अगर आप ऐसे चोरी करोगे, ये देखते हैं मैं चोरी करके लाता हूँ फिर देखते हो मेरे साथ क्या होता है, ऐसे थोड़े होता है। ताड़ना, मतलब ताड़ना समझते हो, कास्टिंग्स यानी कि उसके साथ मतलब दूचना चाहिए उसको, मेन बात आपका ये है, मैं उसकी पोजीशन भर दूं, दो दिया जाए उसको, मेन बात है, चोरी करके लाया और ऐसा दो दो कि पता नहीं उसकी, दो ना, मेन बात है, सजा देना है, समझ सकते हो, ये दोनों एक ही है, पनिशमेंट मान सकते हो, ताड़ना, ताड़ना देकर, ताड़ना भी एक पनिशमेंट ही है, ठीक है। पनिशमेंट तो आप उसको क्लास से बाहर निकाल दोगे या कुछ और कर दोगे, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो सीधा धोना है, हाँ धोने का मतलब समझते हो ना, हाँ वो ही धोना है, ऐसा धो दो कि पता नहीं चप्पल जूतों से लाल कर दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, उसके दुष्परिणाम बताओ कि उसके परिणाम क्या क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो ठीक है, इसमें तो राइट आंसर देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो अब तो क्या है, बता ही दिया आंसर, ठीक है। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए? छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें, छात्रों को निष्क्रिय श्रोताओं के रूप में रखें, छात्रों को ध्यान से देखें, ठीक है, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करें, ठीक है। तो देखो इसमें तो पहले ही आंसर आ गया यहाँ सामने उसके लिए, चलो कोई बात नहीं, ये आपके लिए, ये मान लो कि एक्स्ट्रा आपको डोनेशन मिल गया इसका, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए तो 23, छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापक को चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए? बिल्कुल रोहित, मैं चोरी नहीं करता हूं सर, हाँ फिर भी आपको दो दिया जाता है क्या, है अच्छा आप चोरी नहीं करते हो फिर भी आपको समझाया जाता है क्या, हाँ बोनस मिल गया उसका तो आपको, चलो देखते हैं, बिल्कुल चलो देखते हैं, छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापक को क्या चाहिए, क्या चाहिए दोबारा समझाइए, अगला पार्ट शुरू कर देंगे, प्राचार्य से बात करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, देख रहे हैं बिल्कुल, दोबारा से समझाएंगे, जब किसी को समझ में नहीं आ रहा तो फिर मतलब क्या है पाठ पढ़ाने का,
अगला पार्ट शुरू कर देंगे गलत बात, प्राचार्य से बात करेंगे ये भी गलत बात, प्रश्न पूछेंगे गलत बात, जब समझ में नहीं आया तो प्रश्न कहां से समझ में आएंगे। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से पढ़िएगा। स्वयं मूल्यांकन यानी अपने आप मूल्यांकन खालिस्तान प्रदान करता है और चुनौतियों पूर्ण समस्याओं का प्रयास करने के लिए आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। राइट आंसर देना है सभी को। ठीक है गुड। सभी का शानदार आंसर है, इसमें ध्यान से देखिएगा और आंसर दीजिएगा। स्वयं मूल्यांकन जानते हो, सेल्फ असाइनमेंट जानते हो, हाँ खुद का मूल्यांकन करना। खालिस्तान प्रदान करता है और चुनौतीपूर्ण समस्याओं को प्रयास करने के लिए आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। बाहरी प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, कोई प्रेरणा नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी को आंसर देना था बी की तरफ आंसर आ रहे हैं, बी की तरफ आंसर आ रहे हैं आंतरिक प्रेरणा। ये बिल्कुल करेक्ट बात है सभी का, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, स्वयं मूल्यांकन किस तकनीकी में शिक्षार्थी अपने प्रदर्शन में चूक, दोहराव, गलती आदि का पता लगाने की कोशिश करता है। राइट आंसर बताना है 25 के अंदर, अंतिम क्वेश्चन है, सभी को आंसर देना है। और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया साथियों लाइक कर देना है, ठीक है। और क्लास कैसी लगी है उसका फीडबैक जरूर देना है, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए उसके बाद में, पहले कोई फीडबैक नहीं देगा। ठीक है पूरे जितने भी विद्यार्थी हैं प्लीज सभी को अपना फीडबैक देना है, क्लास कैसी लगी है, एंजॉय भी किया होगा, थोड़ा मजा भी आया होगा। ठीक है बिल्कुल, और क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे, और इन क्वेश्चनों को आप भूलने का बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते। ठीक है क्योंकि हमने पढ़ा ही इस तरीके से है कि भूलने की तो गुंजाइश ही नहीं है, करके देख लीजिए कहीं से भी आएगा ये क्वेश्चन आएंगे ना अगर, तो आप भूलने के तो बिल्कुल भी नहीं भूल पाओगे, करके देख लो, चैलेंज है खुला, करके देख लो ट्राई। अब ये जो 25 क्वेश्चन किए हैं कहीं भी आपको भिड़ेंगे गारंटी के साथ है आपका गलत तो नहीं होगा, करके देख लीजिए। ट्वेंटी फाइव में बी की तरफ आंसर, बी। चलो तो फिर करेक्ट आंसर है, फिर तो सभी का करेक्ट आंसर है। अब अपना वो दीजिए पहले, तो कितना स्कोर रहा आपका, सभी को स्कोर बताओ, जल्दी से स्कोर बता दो, फुर्ती से स्कोर देखते हैं कितना स्कोर रहा है आपका, स्कोर बता दीजिए। जाना किसी को नहीं है, अभी हम बातें करेंगे थोड़ी बहुत एक दो मिनट, ठीक है फिर उसके बाद में आप जा सकते हो। ठीक है कितना स्कोर रहा है, स्कोर पता तो चले मुझे कि कितना स्कोर बैठ रहा है आप सभी के, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी थे कुछ तो। ठीक है बिल्कुल सभी का क्वेश्चन आंसर बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर, तो अब इसका ये बता दीजिए स्कोर कितना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर, 25 से 19 माही जी के हैं, स्वाति जी के हैं 18, ओके अच्छा स्कोर है, टीना जी का 20 है, ओके 20, जानकी जी का भी 20 है, अंकिता जी का 80, ज्योति जी का 18, गुड गुड 18, सविता जी का गुड स्कोर, बहुत शानदार है। मैंने पहले ही कहा था कि आपके एक दो गलत हो सकते हैं, आगे आगे के चार पांच क्वेश्चन वो टिपिकल थे, मैंने पहले ही कहा था आपको। ठीक है हाँ चलो अपना फीडबैक दीजिए, क्लास कैसी लगी है, क्लास अच्छी लगी, अपना फीडबैक देते चलिए। ठीक है अपना फीडबैक देते चलिए, और साइंस की क्लास को भी जरूर देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा और कैसे थोड़ा टिपिकल बनाना है। ठीक है वो भी बता दीजिए, अगर इजी टाइप से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इजी से लेकर आपके जो साइंस में रहेगा हार्ड टाइप का रहेगा, ठीक है इजी से स्टार्ट करेंगे। क्लास कैसी लगी, नाइस क्लास थैंक्स बट कम आए सर, कोई बात नहीं सुना जी कम आए हैं, कोई बात नहीं, देखो कम से आपको वो दिक्कत नहीं है। ठीक है आप अपनी मेहनत पूरी कीजिए, बाकी देख लेंगे, ठीक है बाकी देख लेंगे, कम आते आते ही ज्यादा आते हैं,
बूंद बूंद से गड़ा भरता है, इतना दुखी परेशान होने की मैंने बार बार कहा है, परेशान कोई नहीं होगा, परेशान कोई नहीं होगा, बिल्कुल। चलो सभी का अच्छा रहा है, चलो बहुत अच्छी लगी क्लास सभी को। चलो बहुत अच्छी लगी क्लास, बिल्कुल। तो चलो देखते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखना अपना और स्टडी को कंटिन्यू रखना। देखो गैप मत देना, बस बार बार यही कहता हूँ, गैप बिल्कुल भी नहीं देना, ठीक है? बिल्कुल माही जी, ये आपने सही कहा है, हंस के मुस्कुरा के क्लास लेना, ठीक है, जरूरी है। मैं बिल्कुल यही करता हूँ, हमेशा यही करता हूँ, मैं कभी परेशान नहीं होता, कोशिश यही रहती है मेरी, मैं कभी परेशान नहीं होता, चाहे कितनी भी परेशानी हो, ठीक है। इसीलिए मैं सभी को यही चीज बोलता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि लाइफ का पता नहीं, क्या पता क्या हो जाए कभी भी, ठीक है? तो हंसते मुस्कुराते चलिए, बिल्कुल हंसते रहिए हमेशा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। चलो मिलते हैं कल इसी क्लास के अंदर, ठीक है, बाय बाय सभी दोस्तों को।